तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे वाटर क्वांटिटी इन वाटर टैंक। आपने ज़्यादातर देखा होगा जो आपकी साइड पे वाटर टैंकर आते हैं, तो काफ़ी लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि जो वाटर टैंकर है कितने लीटर का होगा, जबकि जो पानी की टैंक होता है छत के ऊपर होता है तो उस टैंक के अंदर कितना पानी होगा, या फिर एक ड्रम रखा रहता है पानी का उसके अंदर कितना ड्रम पानी आएगा, या फिर एक बाल्टी जो आप साइड पर यूज कर सकते हो तो उसके अंदर कितना लीटर पानी आएगा। सिंपल। सो आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे कुछ एग्जांपल के साथ साथ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत आसानी से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि एक टैंकर आपके पास, इसका एक डाया आप सबसे पहले आप निकालेंगे कि इसका डाया क्या है, उसके बाद इसकी टैंकर की लंबाई निकालेंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि जो ऊपर जो ढक्कन रहते हैं, जैसे कि आपका ये इनलेट के लिए या फिर ये यहाँ पे आपको पानी प्रोवाइड करना, जैसे कि किसी अच्छे से पाइप से, बड़े पाइप से पानी डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी बेस पे और यहाँ पे ये आपका आउटलेट और ये आपका ये इनलेट, ठीक है। जैसे यहाँ से पानी आपको बाहर निकालना है, इससे अंदर डाल दे, तो उसका डाया क्या रहेगा, उसकी लंबाई क्या रहेगी, जस्ट ओनली आपको ये दो चीज़ें जाननी जरूरत है। उसके बाद जैसे कि हमारे पास डाया है 1.5 मीटर का, आपने सिंपल क्या किया, यहाँ से बीच में से आपने ये नापा 1.5 मीटर आ गया, कि सिंपल एक पोजिशन पहले यहाँ पर पॉइंट रख देना है और इसको घुमाते जाना है। जो मैक्सिमम दूरी आएगी यहाँ पे टेप रख के, जो भी मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी आएगी ऐसे घुमाते हुए जाएंगे, तो सिंपल वही आपकी डाया निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा रेडियस, इसका जो रेडियस है, जो त्रिज्या बोलते हैं आप जिसको, ये व्यास या त्रिज्या आप इसको बोल सकते हैं, तो वो कितना रहता है, वो डाया जो आपका व्यास रहता है उसका आधा रहता है। तो यहाँ पे 1.5 मीटर है, उसका आधा निकालते हैं तो यहाँ 0.75 मीटर आ जाएगा, या फिर 750 mm आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे लंबाई, तो लंबाई हमारे हमने निकाला था कि इस टैंकर की जो लंबाई है वो 3.5 मीटर है, ठीक है। अब हम इसमें जान लेते कि इसका वॉल्यूम क्या बनेगा, मतलब हमें इसके अंदर अंदर का जो वॉल्यूम है वो कितना बचेगा, मतलब अगर हम इसका वॉल्यूम बचेगा तो वो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि किस में इतना पानी आया है, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम निकालने, जैसे कि अगर इसके अंदर आप कोई फाइन फैन फिल करते हो, या फिर आप इसके अंदर कुछ भी कोई चीज़ फिल करते हो, तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि किसका अंदर का जो वॉल्यूम है वो क्या आया है, ठीक है। अगर एक सॉलिड, अगर बाय चांस ये एक सॉलिड कॉलम होता, कंक्रीट को आपको फिल करना होता है, तो वो भी आसानी से आप इसमें निकाल सकते हैं कि इसमें कितनी कंक्रीट लगी है। ये कि एग्जाम बता रहा हूँ कि एक तो ये खाली का हम निकाल रहे हैं, या फिर एक दूसरा फिल कर रहे हैं कंक्रीट का, तो इसमें टोटल कितना वॉल्यूम कंक्रीट कितनी आएगी इसके अंदर, तो वो दोनों एग्जाम्पल से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजी फार्मूला से। तो वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वेयर एच, जैसे कि कॉलम है, जैसे कोई एक सर्कुलर कॉलम है, सर्कुलर कॉलम के लिए निकालने के लिए पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वेयर एच हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू क्या है, 3.14, जैसे कि 22/7 होता है पाई की वैल्यू, तो 7 से इसको भाग करेंगे तो 3.14 आ जाएगा। आर हमने आर यहाँ से निकाला है 0.75 मीटर, तो 0.75 × 0.75, तो 0.75 × 0.75 आ गया है। लंबाई हमारे पास हमने निकाली थी 3.5 मीटर, मतलब 3.5 मीटर, तो हम जब चारों को गुना कर लेते हैं दूसरे के साथ तो 6.18 मीटर आ जाता है, मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब आ गया। अब या फिर आपके पास इसमें आप जैसे काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें मीटर में नहीं आता है, हमें फीट में आता है, तो मैंने यहाँ पे उसके लिए भी सॉल्यूशन कर दिया है कि 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर बराबर रहेगा 4.92 फीट या फिर 4 फीट 11 इंची का रहेगा। तो आप आसानी से यहाँ पे भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि 1.5 मीटर है गुना 1 मीटर के अंदर होता है 3.28 फीट, तो 3.28 फीट इसको गुना करेंगे आप तो आसानी से आपका ये फिट निकल जाएगा, ठीक है, 4.92 फीट, तो 4 फीट 11 इंच आ जाता है। उसके बाद लंबाई हम निकालते हैं, यहाँ पे 3.5 मीटर है, तो 3.5 मीटर में कितना फिट होगा, तो 11.50, तो 11.50 हो गया, तो 11.50 को हम अलग अलग लिख लें तो 11 फीट 6 इंच आ जाता है। तो यहाँ पे हमने रेडियस निकाला है, डाया तो निकाल लिया कि 4 फीट 92 इंच है, तो यहाँ पे कितना हुआ, 4.92/2 हो जाता है, तो इसको मतलब क्या हुआ, 2.46। तो ये 0.46 इसलिए लेते हैं, जैसे कि आपके पास 4 फुट 11 इंच ही है, तो इसको आपको रनिंग फिट में बदलना पड़ेगा, वो भी पॉइंट के अंदर, इंच को भी फिट के अंदर बदलना पड़ेगा और फिट तो फिट है ही है, जैसे कि आपका यहाँ पे 4 फीट 11 इंची है, तो इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 11 इंची को भी फिट में बदलना पड़ेगा, तभी आप एक कैलकुलेशन निकाल पाओगे।
तो उसके बाद हम यहाँ पे भी फीट में भी हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वेयर वही फार्मूला है, बस सिंपल फार्मूला के हमें अंदर वैल्यू पुट करना है। तो पाई की वैल्यू है 3.14 और रेडियस त्रिज्या जो है 2.46, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था कि व्यास का जो आधा है 4.92 का आधा 2.46, तो 2.46 गुना 2.46 तो रेडियस का स्क्वायर है, ठीक है। और गुना हमारे पास लंबाई कितना है, लंबाई हमारे पास है 11.50 साढ़े 11 फीट, तो 11.5। अब हम इनको तीनों को चारों को गुना कर लेते हैं तो 218.52 क्यूबिक फीट आ जाता है वॉल्यूम। देखो ये जो वॉल्यूम आई, ये तो आप इसमें कंक्रीट कास्टिंग कीजिए कॉलम को, या फिर इसके अंदर कोई पानी डाल लीजिए, या फिर इसके जो ये जो वॉल्यूम आई है वो पूरे फिल की आई है, कि मतलब इसके अंदर इतना वॉल्यूम है, मतलब चाहे कंक्रीट ले लीजिए या फिर आपको जो स्टील है, कि एक सॉलिड स्टील है, इतना लंबाई का सॉलिड स्टील है, तो उसकी वॉल्यूम भी यही है। अगर आप आसानी से, आपको पता है डेंसिटी क्या होती है स्टील की, डेंसिटी क्या स्टील क्या होती है, 1850 kg/m³ के अंदर 1850 kg/m³ होता है। तो सिंपल आसानी से यहाँ पर आप 1850 गुना कर देंगे तो इसका वजन आ जाएगा किलो के अंदर, ठीक है, जो भी आपकी डेंसिटी है, ठीक है। तो आप आसानी से यहाँ पे कंक्रीट, जैसे कि आप इसका वजन निकालना चाहते हो, जैसे कि कंक्रीट से फिल आपने कास्टिंग कर दिया है, तो आप आसानी से यहाँ पे इस कंक्रीट का भी वजन निकाल सकते हो। जैसे कंक्रीट का जो होता है 2400 kg, तो यहाँ पर आप 2400 से गुना कर देंगे तो आसानी से कंक्रीट का वजन आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कंडीशन पर क्या निकाल रहे हैं, पानी का, पानी निकाल ले कितना इसमें का अंदर पानी है, तो उसके लिए हमें डेंसिटी ऑफ वाटर पता होना चाहिए। तो इसमें काफ़ी लोग पूछते हैं कि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी एक अर्थ, जैसे कि हमारे पास ये अर्थ है, ये जो आपकी पृथ्वी होती है, पृथ्वी के ऊपर का जो डेंसिटी होता है वो अलग होगा, और आपका जो मून होता है, जैसे कि आपका जो चंद्रमा होता है, वहाँ पर जो डेंसिटी है वो अलग चीज़ होगी। जैसे कि कोई भी चीज़ आप रखेंगे मून के ऊपर, वहाँ पे चांद के ऊपर, तो आसानी से ऊपर फैल जाती है। जैसे कि आपका पृथ्वी से जो बाहर रखेंगे वो आसानी से उड़ने लग जाएगी, उसका वजन कम हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास, जैसे कि कोई भी एक स्टील ले लीजिए, जैसे कि स्टील है, जैसे एक फीट बाई एक फीट का स्टील है, तो डेंसिटी का होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, कि इस कितने वॉल्यूम में कितना वजन, ठीक है। जैसे कि आपका पानी का हो गया, आपको कंक्रीट का हो गया, स्टील का हो गया, गिलास का हो गया, आपका ऑयल का हो गया, जितना वॉल्यूम है वो कवर करता है, कितने वॉल्यूम में वो कवर करता है और कितना उसका वज़न रहेगा, तो वो आपकी डेंसिटी होता है, क्लियर। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, डेंसिटी का फॉर्मूला भी हो सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की जो वॉल्यूम होती है आपका न्यूटन पर क्यूब, ठीक है, kg/m³, ठीक है, kg/m³ के अंदर ही आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि डेंसिटी हमारे पास वाटर की है, तो वाटर के लिए हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास हमारे पास जो वॉल्यूम है, वाटर हमेशा किस में होता है, लीटर के अंदर होता है, ठीक है। और मीटर क्यूब, एक मीटर क्यूब में कितना, 1000 लीटर, तो 1000 लीटर बराबर 1000 किलो, ठीक है। तो ये 1000 यहाँ पे मास क्या है, 1000 किलो है, 1000 किलो/m³। 1000 किलो कितना होगा, 1000 लीटर, ठीक है, 1000 किलो/1000 लीटर, क्योंकि जो किलो में होता है पानी का सेम रहता है, 1 किलो/1000 लीटर। लेकिन ऑयल, ऑयल का जो किलो में है वो डिफरेंस रहेगा, ठीक है, ऑयल का किलो केजी, और केजी को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो डिफरेंस रहता है, तो वो वहाँ पे हमें उसका जो केजी का वो डिफरेंस वहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे निकालते हैं वाटर, तो वाटर निकालने हमारे पास है वॉल्यूम 6.18, ये क्या है हमारे पास, मीटर क्यूब। तो हमारे पास मीटर क्यूब है, उसको हम गुना कर देंगे 1000 से, क्योंकि 1000 किलो/1000 लीटर होता है, तो यहाँ पे दोनों को गुना कर देंगे तो हमारे पास 6180 लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इतने 6180 लीटर हमारे पास क्या आएगा, इसके अंदर पानी आएगा, बट लेकिन थोड़ा कुछ ऊपर से एम्प्टी भी रहता है, मतलब खाली भी रहता है थोड़ा, ताकि पानी हमारा इसमें से ओवरफ्लो ना करे चलने के टाइम पे, तो इसी वजह से थोड़ा हमारे पास ज़्यादा रखा जाता है। तो ये टोटल हमारे पास, इट्स मीन आपके पास 6000 लीटर का आपका ये वाटर टैंक हो गया। उसके बाद हमें फीट में, काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि हमें तो फीट में बताइए,
आपके पास टोटल एम क्यूब है हमारे पास 218.52 क्यूबिक फीट, उसको हम करते हैं गुना एक फीट क्यूब में कितना पानी आएगा। जैसे कि अपना ये बॉक्स है, एक इसका जो साइज है एक फीट बाई एक फीट, ठीक है, एक फीट बाई एक फीट, इसके अंदर अपने वाटर डालना है, तो उसका आप वेट निकालेंगे या फिर इसका वॉल्यूम निकालेंगे कितना इसके अंदर पानी है, तो वो कितना लीटर पानी है, तो उसको पहले हम निकालेंगे कैसे कि यहाँ पे 1000 लीटर पर मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 डिवाइड बाई 35.3147 फीट क्यूब, ठीक है, क्लियर। ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 मीटर क्यूब में होता है 35.3147 फीट क्यूब। अगर हम इसको इससे भाग कर लेते हैं तो वो आसानी से एक फीट के अंदर वो हमारे पास वाटर आ जाएगा 28.32 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों की डेंसिटी पर मीटर क्यूब के अंदर भी निकाल लिया है और एक फीट के अंदर भी हमने डेंसिटी निकाल लिया है। अब हमें सिंपल क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, गुना कर देना है कि हमारे पास टोटल 218.52 क्यूबिक फीट है इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम सिंपल कर देते हैं गुना कि एक फीट के अंदर हमारे पास जो पानी का जो वज़न आता है या फिर लीटर आता है 28.32 लीटर आता है, ठीक है। दोनों को गुना कर देंगे तो 6188 लीटर आ जाता है, तो वो कितना, वो जस्ट ओनली 8 लीटर का डिफरेंस आ जाता है। तो वो आपका कैलकुलेशन के अंदर से मीटर को आप फीट में बदलते, मीटर को फीट में बदलते हो कैलकुलेशन करने में, तो वो थोड़ा वो माइनर डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो वो कितना हुआ आपके पास, इट मीन यहाँ पे भी आपके पास 6000 लीटर का टैंक रह जाता है। और दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास साइड पे क्या होता है कि पानी का एक ड्रम रहता है, तो वहाँ पे लिखा रहता है ज़्यादातर आपने देखा होगा 220 लीटर, जैसे कि केमिकल होता है जैसे सी को हो गया या फिर कुछ भी कोई लिक्विड आता है इसके अंदर, ठीक है। तो वो आपके जो फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जाता है, जैसे कि 200 लीटर का 220 लीटर का भी होता है और 200 लीटर का भी होता है, जैसे कि 180 लीटर का भी होता है, तो वो अलग अलग डिफरेंस लीटर का, वो हम कैसे पता करेंगे कितने लीटर का है। तो इसके लिए भी सिंपल हमारे पास वही फार्मूला रहता है कि जैसे हमारे पास डाया है 580 मिलीमीटर या फिर 0.58 मीटर, हमें mm को कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर के अंदर, तभी आप आसानी से इसको कैलकुलेशन निकाल सकते हो डेंसिटी में वॉल्यूम के अंदर। तो लंबाई कितनी रहेगी इसकी, तो लंबाई हमारे पास 920 mm, जो ये इसकी लंबाई है इसकी हाइट कितनी हो गई 920 mm, और डाया कितना हो गया 580। अब हम इसका सिंपल क्या कर लेते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं, जो आपका ये रेडियस रहता है, तो मैंने यहाँ पे रेडियस से निकाला था और दूसरा फार्मूला से जो आप इससे भी निकाल सकते हैं π/4 × d². अगर आप इस चीज़ को आप निकाल लेंगे, जैसे कि π/4 × d को आप क्या लिख सकते हैं, r + r लिख सकते हैं, ठीक है, r + r का स्क्वेयर भी लिख सकते हैं ना। तो इस कंडीशन में क्या हुआ ये, तो r को हम π/4 ×, तो ये एक आ रही है, r कितना हुआ ये r² + r² + 2r। तो इस तरह से आप निकाल सकते, जैसे कि यहाँ पे इसको कैलकुलेशन में इस जैसे कि r + r² को r + r² + 2r × r ऐसे निकाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्या क्या होता है, π/4 अपने कैलकुलेशन किया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई 2r + r। इस तरह से हम क्या करते हैं कि 2×2=4, तो इस तरह से इसको कैलकुलेशन काट देते हैं, तो यहाँ पे सिंपल क्या बच जाता है, एक r बच जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता जाता है, सिंपल एक r², ठीक है। तो इस तरह से r² का ये ओनली बच जाता है, तो π/2d², ठीक, क्लियर। तो पाई की वैल्यू 3.14/4 आ जाता है और × d², तो डाया स्क्वेयर। देखिए फार्मूला आपके पास दोनों एरिया वॉल्यूम निकालने के लिए π/4 × d², ये भी निकाल सकते हो एरिया निकालने के लिए, या फिर आप π/r² आप इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। आप दोनों तरीक़े से आप निकाल सकते हो एरिया, ठीक है। वो एरिया कौन सा होगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, आपका जो टॉप का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो सिंपल हाइट से गुना कर देंगे तो वो एरिया ये बिल्कुल माइनर आपका कैलकुलेशन आपका आ जाता है। उसके बाद π/4 × d², आपका d क्या है 0.58 गुना 0.58 और गुना लंबाई क्या थी, हाइट क्या थी 0.92। तो सिंपल इन तीनों को हम कैलकुलेशन निकालते हैं 0.243 मीटर क्यूब आ जाता है। तो वाटर निकालने के लिए सिंपल क्या है, 0.243 × 1000, ये हमारा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को गुना कर देंगे 1000 से, क्योंकि 1 मीटर क्यूब के अंदर
एक मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर पानी आता है, हमको पता है, तो दोनों को ना कर देंगे 243 लीटर आ जाता है। तो इसमें आपका क्या हुआ, ये 220 ml का 220 लीटर का वाटर हो गया, तो 223 लीटर, तो अप्रोक्सीमेट कुछ हिस्सा इसका खाली रहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का सा टेपर भी होता है अंदर की साइड में, ठीक है। तो इसलिए ताकि जो पानी है इतनी एयर होनी चाहिए, ताकि इसका जो ढक्कन होता है अगर आप उसको प्रॉपरली से पूरा फिल कर देंगे तो वो ढक्कन खोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, प्लस में गैस बनने की ज़्यादा वो दिक्कत आ जाती है। तो इसी बेस पे ये इसको इतना खाली रखते हैं ताकि आसानी से इसका जो ढक्कन है वो खुलने में आसानी हो, ठीक है। तो इसीलिए जो आपकी ये जो 220 ml ही इसके अंदर जो केमिकल आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।